श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी काम्यवन। काम्यवन के श्री कृपा सिंधु दास बाबा का जन्म उड़ीसा प्रांत के जिला ब्रह्मपुर में गंजम नामक ग्राम में हुआ। उनकी गान कीर्तन और मृदंग वादन में विशेष रुचि थी। गान कीर्तन करते करते वे भगवत प्राप्ति के लिए विशेष रूप से उत्कंठित हो पड़े। वक्रेश्वर पंडित के परिवार में दीक्षित हो भजन साधन में जुट गए। किसी ने कहा भगवान शंकर की कृपा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो शंकर जी की बड़े मनोयोग से आराधना करने लगे। शंकर जी ने कृपा करी, दर्शन देकर कहा ब्रज में जाके भजन करो, इष्ट प्राप्ति होगी। वे ब्रज आ गए। श्री गोपाल गुरु की परंपरा के नंदगांव के श्री नित्यानंद दास बाबा के गुरु श्री श्यामाचरण बाबा जी से वेश ले गान कीर्तन करते हुए कुछ दिन ब्रज की लीला स्थली में भ्रमण करते रहे। फिर नंदगांव में नित्यानंद दास बाबा के निकट रह के भजन करने लगे। दोनों महात्मा कदम घंटी के एक सूखे कदम वृक्ष के नीचे बैठकर उच्च स्वर से कीर्तन किया करते। एक दिन कृपा सिंधु दास बाबा ने नित्यानंद दास बाबा से कहा, मैंने हरिनाम के प्रभाव के संबंध में शुष्क तरु पल्लवी की बात कहीं पढ़ी है, पर हम लोग कितने दिन से शुष्क तरु के नीचे कीर्तन कर रहे हैं, इसमें कहीं भी पल्लव आते दिखे नहीं। पल्लव यानी हरे पत्ते आते हुए दिखे नहीं सूखे झाड़ के नीचे। तो नित्यानंद दास बाबा ने नाम प्रभु के इच्छा स्वातंत्र की बात कह के प्रश्न को टाल दिया, पर लगता है नाम प्रभु ने सुन लिया। वे तो स्वतंत्र होते हुए भी भक्त की इच्छा के अधीन है, भक्त की इच्छा जान उन्होंने उनकी शंका का समाधान किया। कुछ ही दिन बाद वह सूखा पेड़ जिसके हरे होने की कोई आशा नहीं थी हरे पत्तों से लहलहाने लगा। नाम प्रभु कभी कभी इस प्रकार का चमत्कार दिखाकर भक्त के भाव की पुष्टि करते हैं। कृपा सिंधु बाबा की नाम की शक्ति तथा कृपा में श्रद्धा और दृढ़ हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जब नाम प्रभु अपने संबंध में साधारण बातचीत भी कान देकर सुनते हैं तो उच्च स्वर से किए गए नाम कीर्तन का अवश्य प्रेम से श्रवण करते हैं। उन्हें नाम कीर्तन करते समय प्रभु के सानिध्य का अनुभव होने लगा और अष्ट सात्विक भावों से उनका अंग प्रत्यंग सुशोभित रहने लगा। नाम को ही कृपा से उनका श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण की लीला कथाओं में अपूर्व अभिनिवेश हो गया। समूची श्रीमद् भागवत उन्हें कंठस्थ हो गई। भागवत के एक बड़े मर्मक के रूप में उनकी ख्याति हो गई। भागवत की बड़ी रसमयी कथा वे कहने लगे। भागवत कसारस के पिपासु सभी लोग उनकी कथा सुनने के लिए ललायित रहने लगे। भागवत की महिमा का वर्णन करते समय वे एक स्वरचित श्लोक कहा करते, जिसके प्रत्येक पद का अक्षर जोड़ने से भागवत बन जाता है। श्लोक इस प्रकार है, भांति सर्वेषु वेदेषु गतिरस्य त्रिलोक के वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणी जु भवार्णवे। नंदगांव में कुछ दिन रहने के बाद कृपा सिंधु बाबा गोवर्धन चले गए। वहाँ श्री विष्णुदास बाबा, श्री अदेश दास बाबा, श्री मनोहर दास बाबा के सानिध्य में कुछ दिन रहकर भजन किया। अंत में वे काम्यवन जाके शंकर जी के मंदिर में रहने लगे। उनके जीवन का अधिक समय वहीं व्यतीत हुआ। उनकी वाणी मधुर थी, पर वे बोलते बहुत कम थे। कोई उपदेश कहने को कहता तो दो चार शब्दों में नाम और ब्रज के हेतु की कृपा का वर्णन करके चुप हो जाते। वे हर समय भावमय अवस्था में ही रहते। मंदिर में जो भी बालिका दर्शन करने आती थी राधा के भाव से उसके चरण स्पर्श करते थे। ऐसा करते समय भाव विभोर हो जाते थे और उनके नेत्रों से आंसू टपक पड़ते थे। उन्हें लोग एक सिद्ध महात्मा के रूप में जानते थे। आज से कुछ वर्ष पूर्व सन 1977 के फागुन मास में एक दिन उन्होंने जो कुछ उनके पास था लोगों में बांटना शुरू करा। लोगों ने पूछा, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो? अब हम जा रहे हैं, उन्होंने उत्तर दिया। कुछ दिन बाद सन 1977 फागुन मास में ही 98 वर्ष की उम्र में स्वस्थ अवस्था में नाम करते हुए धाम पधार गए। श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी की जय हो। वृंदावन विहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।